वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन सो दिस कोर्स फॉर यू पी सी सी ए सी एग्जामिनेशन गाइज एंड इन दिस कोर्सम इज लैट्स एंड अंडर दिस थीम वीर डीलिंग विद वट वी आर डीलिंग विद वन पॉइंट फाइव ईयर्स करंट अफेयर्स कंटिन्यूएशन सीडीज राइट मैंने आपको मे थर्टी फर्स्ट तक करंट अफेयर्स करवा दिए थे अब मे थर्टी फर्स्ट के बाद बिकॉज एग्जाम आपका शिफ्ट हो गया अक्टूबर टेंथ ऑफ अक्टूबर तो जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर के करंट अफेयर्स भी हम इसके अंदर करने वाले हैं राइट before we start, I want to let you know that you are at an academy platform, and if you want to crack UPSC examination with India's largest learning platform, then you have to click on the subscription link that you will find on an academy website as well as an academy application. And after taking the subscription, you will get following features like daily live classes will be there, structure courses will be there, live test and quizzes, and unlimited access. So, these are the different different features that are provided by the an academy. See.

एज वेल एज बुक्स नोट्स की फॉर्म्स के अंदर बुक और बहुत ही कॉन्साइज नोट्स के अंदर बुक्स प्रोवाइड कर रहा है आपको ऑप्शनल बैचेज अगर आप देखेंगे तो इनका फीस अगर हम नॉर्मल किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ये आपका फ़ीस होता है अप्रॉक्सीमेटली टू लाख रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं इन सबके लिए बट अन अकेडमी इज टेकिंग जस्ट फिफ्टी सेवन थाउजेंड पॉइंट फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव थाउजेंड रुपीज़ राइट वाई बिकॉज दिस इज टू सब्सिडाइज रेट्स एंड फर्स्ट अगस्त से ये रेट्स बढ़ रही हैं तो दिस इज द राइट टू सब्सक्राइब टू अकेडमी राइट अपार्ट फ्रॉम दैट अन अकेडमी आपको अगर दो साल के अंदर आपका टू uh, ईर्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका क्लियर नहीं होता है तो वन ईयर का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करेगा अन अकेडमी राइट इसके अलावा आप देख सकते हैं अभी फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट अगर आप टोटल डिस्काउंट देखेंगे तो फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट इज देयर ऑन अन अकेडमी तो दिस इज बिग डिस्काउंट और फर्स्ट अगस्त को ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट अगस्त से पहले आप अन अकेडमी यूज कर सकते हैं अकेडमी ले सकते हैं लाइव डीबी कोड के साथ यूज करिए और ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा डिस्काउंट, राइट? Right? इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टेस्ट भी लॉन्च है, 80, 80 टेस्ट की टेस्ट एवरी ईयर, ठीक है तो थर्टी थाउजेंड रुपीज की कॉस्ट है इसका बट दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू जॉइन दिन अकेडमी सब्सक्रिप्शन राइट इसी तरह से ट्वेंटी प्रोवाइडेड टू यू एंड लोन एनी प्लस सब्सक्रिप्शन इज देयर राइट आई कैनिक के अंदर क्या है पर्सनलाइज कोचिंग विल भी प्रोवाइडेड बाई दन अकेडमी इसमें पर्सनल गाइडेंस विल भी देयर स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस टेस्ट एनलाइस ये सब चीजें आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी राइट सो काइंडली लेट मी नो दट आई एम ऑर्डबल ऑन ऑर सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर कई एवरीथिंग इज ओके आई एर्बल कंप्लीटली ओके ओके फाइन चलिए इसी तरह से आप देख रहे हैं अन प्लस सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रही है करिए जैसे मैंने आपको बताया लाइव डी कोड आप यूज कर सकते हैं और दिस इज इंपॉर्टेंट कोड राइट तो कोई भी अन अकेडमी पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो वेदर इट इज ऑप्शन वेदर इट इज योर मेन सब्सक्रिप्शन राइट तो आप क्या कर सकते हैं लाइव डी कोड यूज करिए ठीक है, कर है ठीके? और इससे आपको जो भी डिस्काउंट्स अन अकेडमी उस वक्त अवेलेबल होगा दैट विल भी प्रोवाइडेड टू यू राइट तो ऑप्शनल ऑप्शन शीट आप देख सकते हैं थर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट है प्लस पे पर्सनल गाइडेंस आई विल प्रोवाइड टू यू वसू जॉइनडमी प्लस विदी कोर्ट दैन आई विल गिव यू द पर्सनल गाइडेंस एंड हाउ टू यूज दिस प्लस प्लेटफॉर्म एफिशियंटली अवेलेट राइट चलिएट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक सो जस्ट गिप सो दैट वी कैन स्टार्ट ज अवर फर्स्ट टॉपिक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है आई निकालती है अब आई टीयू क्या है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन राइट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ठीक है तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालता है आईटीयू अभी इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इसके अंदर ठीक है और टेंथ रैंक पर आया थर्टी सेवन स्टेप्स आगे बढ़कर टेंथ रैंक पर आया राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी एवरी वन टी की टेंथ स्टेप पे इन, आ, इंडिया आया यहाँ पर और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है आई निकालता है पहले तो आपको ये दो चीज़ें आपको इसके अंदर लर्न करनी होगी राइट इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे यह दिखाता है कि ये पैरामीटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जैसे लीगल मीजर्स टेक्निकल मीजर्स ऑर्गेनाइजेशनल मीजर्स कैपेसिटी डेवलपमेंट कॉपरेशन ये इनके बेसिस पे इनके बेसिस पे क्या होता है कि आई एक इंडेक्स निकालता है दैट इज़ नोन एज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ठीक है अभी देखिए इंडिया ने टेंथ रैंक अचीव करिए इसके अंदर और थर्टी सेवन प्लेसेस के ऊपर मूव कराए तो दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया और ये ट्वेंटी ट्वेंटी की रिपोर्ट अभी निकाली आई टी यू ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या होता है ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है क्या है ये भी हम इसके अंदर आपको बताएंगे राइट right? चलिए तो ये सब चीजें हैं लीगल मेजर टेक्निकल मेजर्स ये uh, कुछ इसके पैरामीटर्स हैं फाइव पैरामीटर्स तो दे कैन आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामीटर फॉर द असेसमेंट ऑफ व्हाट ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ठीक है बाई आई टी यू तो इसके अंदर लीगल मेजर्स टेक्निकल मेजर्स ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स ये तो तीन मेजर्स हैं फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट कितना है राइट प्लस कॉपरेशन दूसरी कंट्री से कितना अच्छा कॉपरेशन है बिकॉज साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी बाउंड्री लेस है ठीक है जोग्राफी कोई इसके अंदर डिफाइंड नहीं है कोई आ, अमेरिका से बैठ भी हमारे यहाँ पर हैक, हैकिंग कर सकता है राइट तो साइबर सिक्योरिटी बाउंड्री लेस और जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर कुछ मायने नहीं रखती है तो कितना कॉपरेशन है दिस दूसरी कंट्रीज के द्वारा दैट के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और ये भी एक बेसिस ऑफ असेसमेंट है इसमें टॉप किसने करा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कराया टॉप करा ठीक है यूनाइटेड किंगडम इसके बाद है फिर सऊदी अरेबिया राइट यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया सेकंड पोजिशन में है और यूएसए ने टॉप कराए राइट चलिए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन क्यों पढ़ रहे हैं अपन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बिकॉज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो आईटीयू ही निकालता है तो ये क्या है एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है फॉर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन हुआ था इसके अंदर अंदर 1865 के टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क ठीक है इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड चलिए नेक्स्ट ये क्या क्या करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इट एलोकेट्स ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम ठीक है एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स ठीक है ये एलोकेट करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को इस तरह से एलोकेट करता है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है राइट डेवलप द टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड होने चाहिए नेटवर्कस एंड टेक्नोलॉजीज के सीमलेस इंटरकनेक्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन ये करता है किस कौन आई और स्ट्राइव टू इंप्रूव द एक्सेस टू आई सी टीज़ आई सी टीज मैंने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू अनडिजर्वड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटीज जैसे बहुत सारे नेशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं गवर्नेंस के अंदर ई गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना उनका असिस्टेंस प्रोवाइड करना ये होता है आई का काम आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स अपन ने पढ़ा इंडिया का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है थर्टी स्टेप्स आगे बढ़कर टेंथ रैंक पर इंडिया आ गया है इसको कौन लेकर आता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन

रिसेंटली ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक एंड एप्लीकेशन called Chandevia इज गेनिंग popularity among द स्टूडेंट ऑफ Kalbelia डांस ठीक है तो इसलिए Kalbelia डांस को देख लेते हैं पहले ये क्या है ठीक है देखिए राजस्थान का डांस है ठीक है राजस्थान का फोक डांस है और फोक डांसों में डांस कलबेलिया डांस ठीक है ये बहुत ही इसेंशुअल डांस है कलबेलिया डांस अगर आपने देखा हो तो यूट्यूब पे दो मिनट का वीडियो है कलबेलिया डांस का आई विल सेंड यू ऑन द व्हाट ऑन द ग्रुप राइट यहाँ पर देखिए इस तरह की ड्रेस होती है ना बंजारे जैसे होते हैं नोमेटिक पीपल ठीक है हमारे इधर इस तरह से बोलते हैं यहां पर देखो लेडी विल डांस और ये पीछे पुपाड़िया बजा रहे हैं ठीक है थीके? ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं ठीक है मेल मेल डांस नहीं करता इसके अंदर ओनली लेडी विल डांस ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा दिस इज नोन एज कलबेलिया डांस राइट अब देखिए कलबेलिया डांस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कलबेलिया कम्युनिटी कलबेलिया इसका नाम कैसे हो गया क्योंकि कालबेलिया कम्युनिटी जो है एक कम्युनिटी पाई जाती है राजस्थान के अंदर ठीक है पाली पाली रीजन के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है पाली अजमेर ठीक है इस रीजन में ज्यादा पाई जाती है ट्रेडिशनल वे ऑफ द लाइफ इट इज एसोसिएटेड विद राजस्थानी ट्राइब ऑफ द सेम नेम ठीक है कलबेलिया नाम की ट्राइब है वो डांस करती है और उनका डांस बहुत फेमस फोक डांस है किसका राजस्थान का ये राइट अब देखो कभी कभार डांस करते करते ये क्या होता है मटके वटके भी रख लेते हैं सर पे ठीक है ये भी एक फीचर है कल्बेलिया डांस का राइट द मूवमेंट एसोसिएटेड विद विदेलिया डांस आल्सो मेक इट वन ऑफ द मोस्ट सेंसुअस फॉर्म ऑफ फोक डांस ठीक है घूमते घूमते डांस करते हैं ठीक है अभी बताएंगे आपको इसके अंदर इट इज जनरली परफॉर्म ओनली फॉर द जॉयस सेलिब्रेशन एंड इज कंसिड टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कलबेलिया खुशी के लिए करते हैं डांस ऐसे नहीं किसी को दिखाने के लिए करें, ठीक है कलबेलिया कम्युनिटी क्या करेगी खुशी के लिए डांस करती है कि भाई घूम घूम के डांस करेंगे तो मजा आएगा राइट अनादर यूनिक

घूमना राइट घूम घूम के डांस करते हैं जो रेप्लीकेटिंग द मूवमेंट ऑफ द सरपेंट सरपेंट मतलब नागिन जो होता है ना उसका मूवमेंट को उस तरह के मूवमेंट के अंदर करते हैं ठीक है अब देखिए हाथ का ऐसे इस तरह से घूम के घूम के डांस कर रहे हैं राइट और वेल मैन मैन क्या करता है पीछे बैठकर कर ये आप देखना यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं यहाँ पर ठीक है कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं जैसे आपने पिछली इमेज के अंदर देखा था मैन पीछे बैठकर कर यहाँ पर कुछ गीत गा रहे हैं प्लस इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ठीक है ये देखिए

तो देखिए ये डांसर वियर द ट्रेडिशनल टैटू डिज़ाइन ज्वेलरी एंड गारमेंट्स रिचली एम्ब्रॉयडेड विद द स्मॉल मिरर्स उसके अंदर यहाँ पर अगर आपको दिखें तो ये इतना दिख नहीं रहा इमेज के अंदर ठीक है पर यहाँ पर ये यह जो है ना ये दिख ही नहीं रहा इसके अंदर ठीक है ब्लड इमेज है ये जो चीज है ना ये क्या है इसके अंदर मिरर के कांच के टुकड़े लगे हुए हैं ये यह यहाँ पर इस तरह से राइट चलिए आगे हम देखें इसके अंदर कलबेलिया ट्राइब क्या है कलबेलिया ट्राइब ये सब स्नेक विस्नेक पे क्यों इतना ज़्यादा थीम क्यों है क्योंकि पहले स्नेक ही पकड़ते थे ठीक है स्नेक पकड़ते थे फिर उन्होंने देखा इसमें मजा नहीं है ठीक है डांस करते हैं चलो तो वे डांस स्टार्ट कर दिया इन्होंने ठीक है डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया तो देखिए कलबेलिया ट्राइब पीपल वर वंस प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर ठीक है टूडे इवोक देयर फॉर्मर ऑक्युपेशन छोड़ दिया इन म्यूजिक एंड डांस म्यूजिक और डांस के अंदर डाल दिया उसको तो वह सांप की थीम आ रही है इसके अंदर ठीक है दैट इज इन द न्यू एंडियटिवेज द लीव इन नोमेटिक लाइफ एंड बिलोंग टू द शडूल ट्राइब्स और देखिए काबलिया पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है फिर अजमेर के अंदर ये लोग मिलते हैं ठीक है इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर अजमेर चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजस्थान के अंदर तो राजस्थान के अंदर ही ये पाए जाते हैं ऐसे आपको इसको याद रखना होगा आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन है ना चलिए नेक्स्ट इज सेवेंथ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजिज्म ठीक है तो ये क्या है ये देखिए एक तरह से क्या है कि भाई जो लिटोरल स्टेट्स हैं ठीक है किसके इंडियन ओशन के जो लिटोरल स्टेट, स्टेट हैं उनके आसपास में मेरेटाइम कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए ठीक है ये क्या है ये सिंपोजिज्म होता है राइट अब इसको जो लीड कर रहा है वो कौन कर रहा है फ्रांस ठीक है क्योंकि अभी फ्रांस का चेयरमैन है ठीक है ये ग्रुप है बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी कंट्रीज आर देयर ट्वेंटी कंट्रीज का एक ग्रुप है ठीक है जो कि इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं जैसे कि आपको अगर देखना हो तो आप इधर देख सकते हैं ये लिटोरल स्टेट है इंडियन ओशन के समझ रहे हैं तो सर फ्रांस कैसे आ गया फ्रांस रियूनियन आइलैंड जो है वो फ्रांस का है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मतलब लिटोरल स्टेट ही माना जाएगा है, राइट तो आप देख रहे हैं ये जो लिटोरल स्टेट्स हैं जो इंडियन ओशन के उसका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो देखिए रिसेंटली अभी क्यों न्यूज के अंदर है ये समझते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजिज्म ये इसलिए है बिकॉज आई ओ एन एस वॉज हॉस्टेड बाई द फ्रेंच नेवी एट ट्री यूनियन आइलैंड सेवेंथ एडिशन इसका स्टार्ट हुआ है अभी ठीक है इट इज ए बाइनियल इवेंट ये पूछा जा सकता है बाइनियल इवेंट इंडिया ने भी करी करा है क्या हाँ इंडियन नेवी ने टू थाउजेंड एट के अंदर करा था ठीक है तो क्योंकि तब वो चेयरमैन था इंडिया अब फ्रांस चेयरमैन है जुलाई ये टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से ही जून से ही ये चेयरमैन हुआ है आई ओ एन एस क्या है एक वॉल्ट्री एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव है दैट ब्रिंग्स टुगेदर नेवीज़ ऑफ इंडियन ओशन रीजन लिटोरल स्टेट जो इनकी मैरीटाइम जो कॉपरेशन के लिए जो नेवीज़ हैं उन सबको एक साथ लेकर आ रहा है टू इंक्रीज द मेरी टाइम एंड एनहांस रीजनल सिक्योरिटी ठीक है अब ये जो आई ओ एन एस है ना ये इंडिया की जो पॉलिसी है ठीक है एक्टिस पॉलिसी उसका भी एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है आई एन एस ठीक है चेयरमैनशिप इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी दो साल के लिए दो साल में एक बार होता है तो उसने अभी कर दिया का जिससे काम खत्म हो राइट पता नहीं कोविड के कारण कहीं ब्लॉक हो जाए राइट पार्टिसिपेटिंग नेशन कौन है अगर आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर नेशन है ट्वेंटी फोर नेशन आर देयर ट इज परमानेंट नेशन और जर्मनीस मैकेजम एंडेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर इसके लिए भी सर्व करता है राइट नेचुरल डिजास्टर के अगेंस्ट में इस तरह से

नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फ्लाई एश फ्लाई एश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसका एक क्वेश्चन भी आ चुका था कम्पोजिशन ऑफ फ्लाई एश के बारे में राइट right? तो अभी क्या हुआ है देखिए क्यों न्यूज के अंदर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ठीक है एनटीपीसी टी पी सी इसने एक इनविटेशन एक दिया है मतलब एक लेटर इसने निकाला है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इस लेटर को बोल रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि इनका इंटरेस्ट है टू फॉर सेल ऑफ द फ्लाई एश कि हम जो फ्लाई एश निकालते हैं उसका सेल हम करना चाहते हैं ठीक है फ्लाई एश का सेल हम करना चाहते हैं फ्लाई ऐश क्या है एक तरह से एक पॉल्यूटेंट है बट इसके बहुत सारे काम भी है सीमेंट की तरह यूज हो सकता है इसके अंदर वही प्रॉपर्टी है जो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर होती है राइट तो सीमेंट की तरह भी हो सकता है और अगर हवा में रहेगा तो एक पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करेगा तो देखो फ्लाई एश को हम यूज कर सकते हैं सीमेंट की तरह रोड बनाने के लिए सीमेंट के अंदर यूज कर एडेसिव कॉम्पोनेट की तरह ये काम आता है ठीक है फ्लाई एश तो फ्लाई एश को क्या है कि उन्होंने ऐसे बोला है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि हम चाहते हैं कि हम फ्लाई फ्लायश को बेचें जिससे कि जो सीमेंट बनाते हैं उनके लिए वो काम में आ सकती है राइट right? जिससे कि यूटिलाइजेशन हो उसका फ्लाई का अदरवाइज कहां पर जाएगी अगर अदरवाइज वहां पर जाएगी तो आ, जो एनवायरमेंट में जाएगी तो इट विल एक्ट ए पोल्यूटेंट ठीक है फ्लाई फ्लायश क्या है ये क्या होता है फ्लाई फ्लायश एक बाई प्रोडक्ट है फ्रॉम बर्निंग ऑफ द कोल इन द थर्मल पावर प्लांट एन -E का थर्मल पावर प्लांट है जैसे ठीक है तो उसके अंदर से फ्लाई एश निकलती है धुआं निकलती है जब ये निकलता है तो धुआं के साथ साथ फ्लाई एश भी निकल लेती है तो इसको जैसे मान लीजिए एक प्लांट है ठीक है अब इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर अपन मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है पावर जनरेशन कर रहा है तो है तो कोयले को जलाकर अब कोयले को जला रहे हैं तो धुआं निकल रही है और धुआं के साथ साथ फ्लाई एश भी निकल जाती है सर है क्या ये फ्लाई फ्लाईश अभी बताता है ठीक है फ्लाई एश निकल जाती है तो अब इसको है ना यहाँ पर अपन कैप्चर कर सकते हैं ठीक है यहां पर कैप्चर कर सकते हैं अगर फिल्टर्स लगा दें तो कैप्चर हो जाती उस gas. है उस फ्लाई काल्ड इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कम्बेशन चैम्बर बाय द एग्जॉस्ट गैस जो गैसेस निकलते हैं एग्जॉस्ट गैस उसके साथ साथ ये भी निकल लेती है फ्लाई एश भी ठीक है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस बाय द प्रेसिपिटेटर्स और बाइक फिल्टर्स फिल्टर्स के थ्रू ये कर देता है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है ये काम आता है कि कोई गैस है उसके अंदर से कुछ चीज़ों को रोकने के लिए जैसे फ्लाई फ्लायश और स्मोक डस्ट ये है उनको रोकने के लिए उनको गैस गैस निकलेगी बस और स्मोक और फाइन डस्ट जो होगा वो इसके अंदर से सेपरेट हो जाएगा इट इज़ कॉमनली यूज टू डिवाइस यूज डिवाइस फॉर द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिस्टिक प्रेसिपिटेटर uh, को अपन यूज करते हैं तो समझ गए फ्लाइश को इकट्ठा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लाई एश इज कैन बी यूज एज ए पोर्टलैन सीमेंट राइट कंपोजिशन देखो इसका जिसपे क्वेश्चन आ चुका है जो मेन कंपोजिशन है ठीक है वैसे तो इसके अंदर और भी ऑक्साइड्स मिलते हैं पर मेन कंपोजिशन देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एस आई ओ टू ए एल टू ओ थ्री ठीक है एफ ई टू ओ थ्री और सी ए ओ तो एस आई ओ टू है इसके अंदर ए एल टू ओ थ्री है एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड ये याद रखने की चीज़ें ये फेरस ऑक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड ठीक 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 है 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 ये 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 सब के अंदर अंदर जो कि आ, ये first letter इनका होगा right? तो ये चार चीजें आपको इसके याद रखना फिर इसकी properties क्या है ये सीमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है ना पोर्टलैंड सीमेंट की वैसी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करती है डिफरेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है सीमेंट जानते पोर्टलैंड सीमेंट वही सीमेंट है जो आपको पता है जो जिससे आप अपन घर बनाते हैं ठीक है जो ईंट के बीच में लगाते हैं ठीक है वही सीमेंट राइट चलिए यूजेज क्या है इट इज यूज इन द कंक्रीट एंड द सीमेंट प्रोडक्ट्स रोडवेज मेटल रिकवरी एंड मिनरल फिलर अमंग द अदर्स ठीक है ये किसके यूज है ये फ्लाई एश के यूज है तो फ्लाई एश को बेच रही है भी एन टी पी सी उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ uh, सेल uh, निकाला है एक्सप्रेशन ऑफ इन्वाइट निकाला है ठीक है कि हम इन्वाइट करते हैं कि भाई आ, इसके अंदर इस तरह से यूज़ कर लो आप हाँ, ठीक है आप हम सेल आउट कर रहे हैं आप खरीद लीजिए राइट हार्मफुल इफेक्ट अगर मान लीजिए इसके ये तो प्रॉपर्टीज हो गई इसकी ठीक है अगर मान लीजिए इसको इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर से हम सेपरेट नहीं कर रहे और धुएं को ऐसे निकल नहीं दे रहे हैं तो ये कितनी हार्मफुल है देखिए फ्लाई एश पार्टिकल्स और टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट ये टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट जहरीली ठीक है दे कैन ट्रिगर हार्ट डिजीजेज कैंसर रेस्पिरेटरी डिजीज एंड स्टॉक तो देखो एक तो इसका यूज है सीमेंट की तरह दूसरा इसका देखो डिसएडवांटेजेस अगर डिस किसके अंदर रहेगी अगर ये रहेगी एयर के अंदर तो ये ये सब चीजें कर देगी वेन कंबाइंड विद द वाटर दे कॉज लीचिंग ऑफ द हैवी दिन टू द ग्राउंड वाटर हैवी मेटल अगर ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे तो सॉइल की प्रॉपर्टी जो होगी ना दैट विल बी डिस्ट्रॉयड ठीक है सॉइल की प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी फर्टिलिटी सॉइल की हो जाएगी, वो कम हो जाएगी तो इसका लीचिंग भी ये कर देता है नीचे ले जाता है किसको मिनरल्स को राइट में आ रहा है तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा इट द एंड अफेक्ट द रूट डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ द ट्रीज जैसे मैंने आपको बताया ये भी इसके अंदर इसका है, ये इफेक्ट है है ठीक तो इससे बढ़िया है कि इसको क्या करो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इकट्ठा करो और सीमेंट में यूज करो जबरदस्ती हवा में रहेगा तो हार्ट डिजीज करेगा किसी का कैंसर कर देगा रेस्पिरेटरी डिजीज कर देगा किसी का हार्ट स्टॉक कर देगा तो इससे बढ़िया है कि इसको इस तरह से यूज करो नेक्स्ट इज दिस वन एक आपने दिखा होगा चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटमेंट लिस्ट इसके अंदर पाकिस्तान का नाम आ गया ठीक है यूएसए ने ये लिस्ट निकालता है यूएसए इसके अंदर पाकिस्तान का नाम आ गया तो सबसे पहले कि भाई देखो कि चाइल्ड सोल्जर होता क्या है सबसे पहले तो ये बात है भाई चाइल्ड सोल्जर होता क्या है अभी न्यूज़ में तो इसलिए है क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान को भी रख दिया पाकिस्तान ने बोला भैया हम क्या करते हैं तो अभी बताते हैं क्या है ये चीज़ चल तो ये क्या है कि एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड ठीक है यूनाइटेड नेशन

जिसके अंदर इस लिस्ट में ये लिख रखा है कि 18 साल से 18 साल से कम को अगर मान लीजिए कोई स्टेट स्टेट हेल्प करता है कि भाई उनको आ, क्या क्या बनाए स्टेट की हेल्प से अगर वो क्या बन रहे हैं अगर वो सोल्जर बनाए जा रहे हैं तो दैट इज नॉट अलाउड यूएसए बोलता है कि ये अलाउड नहीं है ये उन लोगों को हम लिस्ट में रखेंगे और उनपे सेंक्शन लगाएंगे ठीक है अब यहां पर देखो ये पंद्रह साल है यहां पर अट्ठारह साल है इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आपको ठीक है क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड ध्यान से सुनीगा एक बार में समझ जाइए वैसे वापस बताऊंगा पर एक बार में समझ जाए तो बढ़िया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड ठीक है ये इसकी एक ऑप्शनल कन्वेंशन भी है ठीक है इसकी ही एक ऑप्शनल कन्वेंशन है वो ऑप्शनल कन्वेंशन ऐसे बोलती है कि अट्ठारह साल ये कन्वेंशन मेन कन्वेंशन ऐसे बोलती है कि हम पंद्रह साल का बोलते हैं पर ऑप्शनल कन्वेंशन के अंदर ये तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इसको आप ले सकते हैं अट्ठारह साल तक का एज रहता है कि अठारह साल तक के एज के लोगों को आप अगर मान लीजिए क्या कर रहे हैं अगर आप उनको रिक्रूट कर रहे हैं एज ए मिलिट्री पर्सन तो दैट इज नॉट राइट ठीक है तो ये देखिए चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट के अंदर होता है वाई इन द न्यूज यूएस हैज एडेड पाकिस्तान एंड फोर्टीन अदर कंट्रीज टू चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट दैट आइडेंटिफाई फॉरेन गवर्नमेंट हैविंग गवर्नमेंट सपोर्टेड आर्म ग्रुप्स दैट रिक्रूट और यूज द चाइल्ड एज ए सोल्जर ठीक है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर अब देखो हुई चाइल्ड सोल्जर तो अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड ठीक है ये कहता है कि भाई पंद्रह साल से कम के बच्चे को अगर तुम सोल्जर बनाते हो तो वो हम प्रोहिबिट करते हैं उसको ठीक है वन नाइनटी थ्री कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर रखा है अब इसका ही सी आर सी का ही के अंदर एक पंद्रह साल की उम्र दे रखी एक ऑप्शनल कन्वेंशन है ऑप्शनल कन्वेंशन उसके अंदर बोल रखा है कि अगर कुछ कोई कंट्री के पास ऑप्शनल है कि तुम चाहो तो अट्ठारह साल बाद भी कर सकते हो उसको तो यूएसए ने इसको ऑप्शनल कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा है तो यूएसए बोलता है कि हम अठारह साल लेंगे कि अठारह साल से कम के बच्चों को अगर तुम क्या करते हो सोल्जर की कैटेगरी के अंदर बना दो तो दैट इज नॉट अलाउ एन यूनाइटेड नेशन ने पंद्रह साल का कर ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू इट करदर प्रोहिबिट द स्टेट रिक्रूटिंग चाइल्ड इन टू द आर्म फोर्सेज इट इज कंसिडर एज ए वार क्राइम एक वार क्राइम कहा जाएगा ठीक है कि वार के वक्त जो क्राइम करते हैं उसको बोलते हैं वार क्राइम एक वार क्राइम कहा जाएगा रोम स्टेचू के अंदर अगर तुम चाइल्ड को सोल्जर बना रहे हो ठीक है इसके साथ साथ एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल है जैसे मैंने कहा था ना ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी से का। वो क्या है अंडर द एज एज ऑफ वो वो का बोलता है 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 ठीक वैसे मेन में तो 15 है। इसके बाद बोल रहा है कि जो बहुत ही ज्यादा क्या है चाइल्ड के राइट्स के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है उनको अट्ठारह साल का भी कर सकते हैं ये उनके पास ऑप्शन है तो यूएसए ने कहा कि भैया हमसे ज्यादा कॉन्शियस कौन है तो हम अठारह साल वाला देंगे यूनाइटेड स्टेट इज ए पार्टी ऑफ द ऑप्शनल प्रोटोकॉल ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताएं तो यूनाइटेड स्टेट्स सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट ये एक एक्ट है कानून है उसके अंदर 2008 के अंदर रिक्वायर पब्लिकेशन इन ट्रैफिकिंग इन दर्सन सोल्जर ठीक है सम ऑफ दीज विच द लिस्ट आर पाकिस्तान टर्की अफगानिस्तान म्यांमार ईरान इराक नाइजीरियान ओवर सेवन थाउजेंड चिल्ड्रेव बिन रिक्रूटेड ठीक है ये तो कुछ पूछा नहीं जाएगा इसके अंदर ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टू डेज क्लास आई होप यू एंजॉय दिस क्लास ठीक है प्लीज शेयर दिस क्लास एज मच एज पॉसिबल ठीक है जितना ज्यादा शेयर करोगे इतना ज्यादा मैं वीडियो अच्छे बना पाऊंगा ठीक है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन ठीक है थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अन अकेडमी अभी फीस हाइक कर रहा है फर्स्ट अगस्त से सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप अन अकेडमी ज्वाइन जो भी करना चाहते हैं फर्स्ट अगस्त से पहले कर लें बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं अभी उसके बाद ये सब्सिडाइज फीस जो है अन अकेडमी की वो नहीं रहेगी ठीक है थीके? टेस्ट सीरीज है ऑप्शनल की भी मेंस की भी प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है एन तो लाइव डीवी कोड यूज़ करिए और एन पे ये सारे बेनिफिट्स इस एक सिंगल कोड से आपको प्राप्त हो जाएंगे सो दैट्स ऑल फॉर टू क्लास थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड